वेलकम फ्रेंड्स, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ में हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में बनाया गया था। और ये यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया की एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना अपने इस रीजन में। और दोस्तों इससे पहले इसका नाम था शंघाई फाइव मैकेनिज्म, जिसमें पांच देश शामिल थे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था और शंघाई फाइव को बनाया था। वो पांच देश थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान। इन पांच देशों ने मिलकर इसको शंघाई फाइव को 1996 में 1996 में बनाया था। उसके बाद इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया। उसके बाद ये हो गया शंघाई सिक्स, कब, 2001 में। और उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया गया और इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कब, जब इसमें इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया अस्ताना समिट में कजाकिस्तान में। तो दोस्तों जो SCO चार्टर है उसको 2002 में साइन किया गया और वो 2003 से लागू हो गया। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो हैं रशियन और चाइनीज। और दोस्तों SCO ऑब्जर्वर है UN जनरल असेंबली का 2005 से, और इसके मेंबर हैं 8। कौन कौन से? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दोस्तों याद रखना जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। तो दोस्तों और इसके चार ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, वो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस जहाँ पे अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, और ईरान और मंगोलिया। और दोस्तों SCO के 6 डायलॉग पार्टनर हैं, वो हैं अजरबैजान और आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान में आपको पता है अभी क्या सिचुएशन है। और कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें दो काउंसिल हैं। एक काउंसिल है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जो सबसे सुप्रीम जो डिसीजन लेती है जितने भी, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो इसी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं, और ये हर साल एक बार इसकी मीटिंग होती है और जितने भी जो डिसीजन और जो गाइडलाइंस हैं वो इसमें लिए जाते हैं। और इसके बाद दूसरी काउंसिल है SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ये भी हर साल एक बार मिलती है। और जो भी स्ट्रेटजी या प्रायोरिटी एरियाज हैं या कोई भी जो भी करंट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जितने भी इशू चल रहे हैं कोऑपरेशन से रिगार्डिंग या इसका बजट के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे इशू इस काउंसिल में देखे जाते हैं। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की दो परमानेंट बॉडीज हैं, जो कि एक है SCO सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है, और दूसरा है रेड्स जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। दोस्तों जो रेड्स है ये एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन है जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने के लिए यूज किया जाता है, एक तरीके से मिलिट्री कोऑपरेशन है बिटवीन दीज कंट्रीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और कंटेंट वर्ल्ड को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।